Hello students, good morning to everyone. In our last video we have discussed about shrubs. Okay, हम बात कर चुके हैं trees के बारे में and shrubs के बारे में भी अपन जानते हैं. Okay, now today we are going to discuss about herbs. Okay, today we are going to discuss about herbs. अभी अपन बात करेंगे, अपन ने two types के जो plants होते हैं उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं. Okay, first one is trees, okay, that is tallest plant, then and second one is shrubs, जो क्या होते हैं, जो trees से small होते हैं, then now today we are going to discuss about herbs, okay, अभी अपन देखेंगे कि जो herbs होते हैं वो shrubs से कैसे different होते हैं, then now let me show you some plants, ठीक है. You can see here some plants, okay? तो आप इन plants को देख के आपको कुछ idea हुआ होगा, ठीक है? That is spinach plant, spinach का देखा होगा आपने, ठीक है? And mint plant, coriander, ठीक है? ये क्या है? Shrubs हैं, sorry, herbs हैं, ठीक है? Which are very small in size. और ये क्या होते हैं? बहुत small होते हैं, shrubs से भी small होते हैं. Done? ओके, जो शब अपन ने देखा था तो शब्स की जो हाइट थी वो कैसी थी, ट्रीज से तो क्या थी, स्मॉल थी, ठीक है, बट शब से वो क्या, सॉरी हर्ब से वो क्या होते हैं, थोड़े लार्ज होते हैं, टॉल होते हैं. दीज वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, और ये जो वेरी स्मॉल प्लांट्स हैं जो शब से भी स्मॉल है, इन प्लांट्स को अपन क्या कहेंगे, हर्ब्स. डन. नाउ दे हैव वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम, ठीक है, इनकी जो स्टीम होती है वो कैसी होती है, वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एंड ग्रीन स्टीम, ठीक है, इनकी जो स्टीम होती है वो ग्रीन भी होती है और बहुत सॉफ्ट होती है. अपन ने देखा था कि जो शर्ब्स होते हैं उनकी स्टीम कैसी होती है, उनकी स्टीम हार्ड होती है, बट ट्रीज से थोड़ी कम हार्ड होती है और ब्राउन कलर की होती है, ठीक है. एंड अगर अपन बात करें शर्ब्स की, ठीक है, सॉरी हर्ब्स की, शर्ब की प्लांट, शर्ब की जो स्टीम होती है वो कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, बट हर्ब्स की प्लांट कैसे, जो हर्ब की स्टीम है वो कैसी होती है, ग्रीन, ठीक है, इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन. दे डू नॉट लाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते, ठीक है, नहीं एडजस्ट कर सकते, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. डन. हर्ब कैन लाइव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, और जो हर्ब्स होते हैं, अब अपन ने देखा था कि जो शर्ब्स होते हैं वो तो क्या हो गए अपने, लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, ठीक है, मैनी इयर्स तक रह जाते हैं. और जो ट्रीज हैं वो भी बहुत टाइम तक रहते हैं, बट ये जो हर्ब्स होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ ही टाइम तक ही, ठीक है, फ्यू मंथ तक ही क्या करते हैं, ये रह पाते हैं. डन. मैनी हर्ब्स आर यूज इन आवर किचन, और हमारा जो किचन है जब हम फूड बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें मैनी हर्ब्स वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, लाइक स्पिनच वेजिटेबल में यूज़ करते हो, मिंट भी आप यूज़ करते हैं, एंड कोरिएंडर आल्सो, ठीक है, ऑल वेजिटेबल्स में आप कोरिएंडर का यूज़ करते हो. डन. नाउ आर यूज्ड इन आवर किचन टू एड फ्लेवर टू आवर फूड, और ये क्या करते हैं, हमारे फूड का फ्लेवर है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. सम ऑफ द हर्ब्स आर ऑल्सो यूज, और सम जो सम हर्ब्स हैं वो भी यूज किया, कहाँ किए जाते हैं, फॉर मेडिकल पर्पज, ठीक है, मेडिकल पर्पज के लिए भी किए जाते हैं. डन. नाउ कोरिएंडर मिंट एंड स्पिनच आर सम ऑफ द हर्ब्स, ठीक है, और ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जो अदर पर्पज के लिए, मेडिकल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, देन कोरिएंडर, एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए हर्ब्स के, कोरिएंडर हो गया, मिंट प्लांट हो गया, ठीक है, स्पिनच प्लांट हो गया, सम ऑफ द हर्ब्स, ये क्या है, कुछ हर्ब्स. डन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके, एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हर्ब्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है. नाउ
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ओके नाउ क्लाइंबर्स, ठीक है, क्लाइंब से आपको देखो नेम इसका जो है उससे आपको कुछ आइडिया हो सकता है, ठीक है, उससे भी कुछ आइडिया आपको हो रहा होगा. टेक ए लुक एट दिस प्लांट, ठीक है, आपको यहाँ पे आपको प्लांट दिख रहा है जो क्या है, मनी प्लांट है. देन इट इज कॉल्ड अ मनी प्लांट. इस प्लांट को अपन क्या कहेंगे, मनी प्लांट. ओके इट यूजुअली डज नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ठीक है, और ये यूजुअली अपने आप से ये स्टैंड नहीं हो सकता. देन इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ नियर बाय प्लांट्स, और इसको क्या करना होता है, अपने जो नियर बाय प्लांट्स हैं उनका इनको सपोर्ट लेना होता है टू स्टैंड स्ट्रेट. अगर इनको स्ट्रेट रहना है, ठीक है, तो इनको अपने पास के जो भी प्लांट्स हैं या इनके पास में जो भी है उनका इनको सपोर्ट लेना होता है, अदरवाइज ये स्टैंड नहीं हो सकते. ओके नाउ यू ऑल्सो सीन दिस मनी प्लांट, ठीक है, ये मोस्टली आपको हाउसेज में मिल जाता है, आपके हाउसेज में भी होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कि खुद से स्टैंड नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको स्टैंड होने के लिए कुछ ना कुछ इसको सपोर्ट चाहिए होता है. दीज टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जो खुद से स्टैंड नहीं हो सकते, इनको स्टैंड होने के लिए किसकी नीड होती है, सपोर्ट की नीड होती है, और इसी टाइप के प्लांट्स को अपन क्या कहेंगे, क्लाइंबर्स. ओके देन वी कैन कॉल्ड दैम क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विच हैव ए वेरी वीक स्टीम, ठीक है, और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टीम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है, इसीलिए वो खुद से स्टैंड नहीं हो सकते, ठीक है, इसीलिए वो खुद से स्टैंड नहीं हो सकते, उनको नीड होती है सपोर्ट की. डन, सो दे नीड द सपोर्ट ऑफ नियर बाय प्लांट, और इसीलिए उनको प्लांट की उनको सपोर्ट के पास प्लांट की नीड होती है. ए स्टिक और ए वॉल टू क्लाइंब अप, ठीक है, एक स्टिक और वॉल, ठीक है, टू क्लाइंब अप, क्लाइंब करने के लिए इनको या तो स्टिक की नीड होती है या प्लांट की नीड होती है, ठीक है, या तो ये प्लांट के सहारे, ठीक है, तो स्टैंड हो सकते हैं, या इनको स्टिक से भी अपन कर सकते हैं एंड वॉल से भी ये क्या कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं. स्टैंड अपराइट, ठीक है, और ये स्टैंड हो सकते हैं. ग्रेपवाइन एंड स्वीट पी आर द क्लाइंबर्स, ठीक है, जो ग्रेपवाइन है और स्वीट पी है ये भी क्या है, क्लाइंबर्स के एग्जांपल है. डन, देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रीपर्स. देखो क्लाइंबर्स तो आप जान चुके हो कि इनकी जो स्टीम होती है वीक होती है, इनको स्टैंड होना पड़ता है, ठीक है, स्टैंड के लिए इनको या तो किसी प्लांट की नीड होती है, ठीक है, ये किसी स्टैंड नहीं हो सकती, या तो किसी प्लांट की इनको नीड होती है, या फिर ये कैसे स्टैंड हो सकते हैं, बोल के थ्रू ये स्टैंड हो सकते हैं, स्टिक से हो सकते हैं, और या फिर थ्रेड भी अपने मतलब इनके पास में अपन कर सकते हैं जिससे ये स्टैंड हो जाए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज क्रीपर्स. हैव यू एवर सीन पंपकिन और वाटरमेलन प्लांट, ठीक है, आपने कभी पंपकिन का और वाटरमेलन का जो प्लांट होता है कभी देखा है आपने? ठीक है, अपन ने देखा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो किसी प्लांट स्टिक या फिर वॉल के सहारे वो क्या कर जाते हैं, स्टैंड अप करते हैं, ठीक है, वो खड़े रह सकते हैं. लेकिन आप सोचो अगर ये जो पंपकिन का प्लांट है, आपने कभी उठा के देखा होगा पंपकिन को एंड वाटरमेलन को, ठीक है, तो उनका मतलब ये जो प्लांट होता है ये कैसा होता है, अपने को पता है ये जो फ्रूट होते हैं कितने हैवी होते हैं, ठीक है, तो अगर इस टाइप के ये प्लांट्स होते हैं, अगर इस टाइप के अगर अपन इनको भी अगर थ्रेड वॉल या फिर स्टिक से अगर अपन इनको स्टैंड अप करने की कोशिश करें तो क्या ये प्लांट स्टैंड हो पाएंगे? ठीक है, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब इनमें ये फ्रूट लगेंगे तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे आगे और ये टूट जाएंगे. ओके नाउ आई होप आपने देखा होगा पंपकिन का और वाटरमेलन का प्लांट. ओके नाउ दीज टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टैंड अप नहीं होते हैं, ये आपका जो लैंड है, ठीक है, उस पर ये क्या करते रहते हैं, लैटिट्यूड रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स पे इस टाइप से इनके जो प्लांट होते हैं वो इस टाइप से होते हैं लैंड के ऊपर, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड नहीं होते हैं, ठीक है, ये लेटे हुए होते हैं, सो इसीलिए अपन इनको क्या कहेंगे, क्रीपर्स.
दे हैव वीक स्टीम, ठीक है, इनकी जो स्टीम होती है वो भी बहुत वीक होती है, दैट ग्रो अलोन द ग्राउंड, ठीक है, और ये क्या करते हैं ग्राउंड पे अलोन ही ग्रो करते हैं. ओके नाउ बोटल गार्ड इज ऑल्सो ए क्रीपर, जो बोटल गार्ड है वो भी क्या एक क्रीपर है. यहाँ पे आपको जो पिक्चर दी हुई है ये पिक्चर किसकी हो गई, पम्पकिन एंड वाटरमेलन की हो गई, ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है, क्रीपर्स के. ओके ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है, क्रीपर्स के. सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. ओके सो रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.